बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा बेहतर हो सके, और भी ज़्यादा आसान हो सके, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए आपको बता दें हम आज किन विषयों पर करने वाले हैं चर्चा। तो आज जिन विषयों पर हम जानकारी हासिल करने वाले हैं वो हैं ऊसर भूमि सुधार की आधुनिक विधि, और इसके साथ ही हमारा जो दूसरा विषय है वो है प्याज और लहसुन की खुदाई एवं भंडारण प्रबंधन। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है। उससे पहले हम आपको अपने टोल फ्री नंबर्स बता दें जो कि है 1800-113-06-0 और 1800-113-06-1। जब भी आप टोल फ्री नंबर्स पर फ़ोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। अब आप हमारा ईमेल आईडी जो है वो नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8800-520-7177। हेलो किसान 2015@gmail.com ये है हमारा ईमेल आईडी, और इसके ज़रिए भी आप अपने प्रश्न जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ ही आइए हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। आज हमें किस तरीके से आप कर सकते हैं लहसुन और प्याज की खुदाई और उसका भंडारण, इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता जी। डॉक्टर प्रमोद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार मैम। और इसके साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं मनोज कुमार जी, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम जानकारी हासिल करेंगे कि ऊसर भूमि सुधार में किस तरीके की जो वैज्ञानिक विधियां हैं या कहीं जो आधुनिक तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले जो है वो हम बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर प्रमोद आपके साथ। और सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर प्रमोद की, जैसे कि हमारा आज का विषय है कि किस तरीके से आप प्याज और लहसुन का खुदाई जो है वो आपने करनी है और कैसे भंडारण कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कैसे पता चलेगा कि अब ये हमारी प्याज और लहसुन की फसल जो है वो खुदाई की स्थिति में आ चुकी है, किस तरीके से हमारे किसान जान सकते हैं? जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस पर सर्वप्रथम मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो उन्होंने प्याज लगा रखी है, जो रबी मौसम की प्याज है, प्याज की लगभग 50-60% जो पत्तियाँ होती है पीली होकर के वो झुक जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेक का झुकना या गर्दन उनका झुक जाता है। तो हमें करना चाहिए कि पूरे खेत में पानी 10-15 दिन पहले बंद कर देना चाहिए। बंद करने के बाद पूरे खेत पे अगर आपके पास ड्रम हो 200 लीटर का प्लास्टिक का लोहे का चला देंगे तो जितनी भी पत्तियाँ सब झुक जाएंगे नीचे। ये हम प्याज के लिए करते हैं। और लहसुन में क्या होता है कि जब लहसुन परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होने के बाद उसकी भी पत्तियाँ सेम प्याज की तरह झुक जाती हैं और पीली पीली रंग ले लेती हैं। तो आपको समझना चाहिए कि खेत में जो भी प्याज और लहसुन लगाए हैं वो कटाई के लिए तैयार हो रहा है, फिर कटाई की तैयारी हमारे किसान भाइयों को करनी चाहिए। ये उसके प्रमुख लक्षण होते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर प्रमोद, इसी के संदर्भ में आपसे और भी ज़्यादा विस्तार से जो है वो जानकारियाँ हासिल करेंगे, खासतौर से भंडारण से संबंधित जानकारियाँ मुझे लगता है कि हमारे किसान ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरीके से फसल का भंडारण किया जाए, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखा जाए जब हम भंडारण करें या जब हम खुदाई करें या जब हम हार्वेस्ट करें अपनी फसल को। तो ये सारी मुख्य बातें हैं जिन पर आज हम आपसे जानकारी ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय से संबंधित एक खास रिपोर्ट। प्याज की खेती रबी और खरीफ दोनों मौसम में की जाती है। खरीफ प्याज की खुदाई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है।
जबकि रबी प्याज की खुदाई अप्रैल और मई में की जाती है। प्याज में जब पत्तियां सूख कर गिरने लगें, लेकिन पूरी तरह से सूखी ना हो बल्कि उनका लगभग 70% हिस्सा सूख चुका हो, तब फसल की खुदाई करनी चाहिए। हल्की भूमि में गांठों को हाथ से खींचकर निकाला जा सकता है। अगर मिट्टी कड़ी हो तो खुरपी या कुदाल की मदद से खुदाई करनी चाहिए। प्याज की मांग पूरे साल बनी रहती है, ऐसे में प्याज का भंडारण पूरे साल की आपूर्ति के लिए जरूरी होता है। प्याज का भंडारण मौसम, किस्म, पोषक तत्व, सिंचाई प्रबंधन, कीट व रोग का प्रकोप, कटाई से पहले और बाद के प्रबंधन के तरीके और भंडारण की परिस्थिति जैसे मानकों पर निर्भर करता है। आमतौर पर हल्के लाल रंग की किस्में गहरे लाल, सफेद और पीले रंग की किस्मों की तुलना में ज्यादा भंडारण क्षमता रखती हैं। पत्ते पीले रंग में बदलने और गर्दन पतली होने तक पौधों को खेतों में सुखाना चाहिए, फिर छाया में सुखाएं। छाया में सुखाने से कंदों का सूरज की तीखी किरणों से बचाव होता है, रंग में सुधार आता है और बाहरी सतह सूख जाती है। बेहतर भंडारण के लिए प्याज को 40 से 50 किलोग्राम की जूट की बोरियों, प्लास्टिक की जालीदार थैलियों या प्लास्टिक और लकड़ी की टोकरियों में रखें। प्याज को पैकिंग के बाद 5 फीट ऊंचाई तक भंडार गृह में रखना चाहिए, जिससे उन्हें निकालने में आसानी हो। वहीं लहसुन की फसल तैयार हो जाने पर पत्तियां पीली होकर ऊपर से सूखने लगती हैं, ऐसे में फसल की खुदाई कर लेनी चाहिए। खुदाई करने के बाद फसल को खेत में ही सूखने दें। आमतौर पर लहसुन की फसल 170 से 180 दिन में तैयार हो जाती है। लहसुन को गर्म, शुष्क और हवादार जगह में भंडारित करना चाहिए। लहसुन को जाली बैग या ट्रे पर रखना चाहिए। अच्छी तरह सूखे और संग्रहित लहसुन को 3 से 6 महीने के लिए भंडारित किया जा सकता है। तो अभी आपने देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आइए अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं मनोज कुमार जी का, जो कि ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो जो ऊसर भूमि है, इससे क्या अभिप्राय है, किसानों को किस तरीके से समझना चाहिए ऊसर भूमि क्या है, और हमारे देश में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ऊसर भूमि होती है? देखिए, ऊसर भूमि से तात्पर्य है कि जहाँ पर हमने अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके और इसके साथ साथ हानिकारक कीट रसायनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके हमने उस भूमि को बीमार कर दिया। और आज आप जान रहे हैं कि जो हमारी दिनों दिन जनसंख्या बढ़ रही है, उसके सापेक्ष हमारी जो खेती योग्य भूमि है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। जो खेती योग्य भूमि है उन पर या तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, और इसकी वजह से भी हमारी खेत की जो जोत है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो वहां पर जो नहरी क्षेत्र का एक तो जो हमारा किनारे का इलाका है वो ऊसर हो जाता है, इसके साथ साथ जहाँ पर वाटर लेवल बहुत ऊपर है वो भूमि भी हमारी ऊसर बन जाती है। और ऊसर हमारा जो बनने का विशेष कारण है वो हमारा अंधाधुंध वृक्षों का हम जो कटाई करते चले जा रहे हैं उसके कारण हमारा जो 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 खेत है वो ऊसर बनता चला जा रहा है। इसके साथ साथ असमय जो वर्षा हो रही है वो उस वजह से भी जो हमारे खेतों के जो लीचिंग हो रही है वो भी खराब हो रही है, धीरे धीरे हमारी ऊसर भूमि बन रही है। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा जो विशेष कारण है वो हम असंतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी जो खेत की मिट्टी है वो धीरे धीरे ऊसर बनती चली जा रही है। तो इस ऊसर भूमि को हमको सुधारने के लिए कई चरणों में काम करने की आवश्यकता है। ऊसर सुधार का जो मुख्य विषय है वो हम खेती योग्य भूमि को बनाने के लिए उन्हें जो चरणबद्ध और क्रमबद्ध प्रक्रिया अपनानी है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो ऊसर भूमि है उसमें हम सामान्य भूमियों से अलग प्रजातियों के जो बीज हैं वो बोते हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि ऊसर भूमि क्या है और किस तरीके से जो है हम इसमें सुधार लेकर आ सकते हैं, ये तमाम बातें आज आपसे ज़रूर जानेंगे। वो चरण भी हम ज़रूर जानेंगे, वो स्टेप्स भी कौन कौन से हैं कि जिनको अपनाकर किसान जो है वो अपनी ऊसर भूमि को भी जो है वो उपजाऊ कर सकते हैं, और इसके संदर्भ में आगे भी ज़रूर आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट।
ऊसर भूमि सुधार से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ऊसर भूमि कहते किसे हैं। ऊसर भूमि उस भूमि को कहते हैं जिनमें घुलनशील लवणों और विनियमशील सोडियम का ज्यादा मात्रा में समावेश अलग अलग या एक साथ होता है। इनका पौधों पर विपरीत असर पड़ता है जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है। जानने वाली बात यह है कि आखिर भूमि ऊसर कब होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बारिश ज्यादा या कम होना, जलवायु में नमी और तापमान अधिक होना। इनके अलावा जहां जल निकासी बाधित रहती हो, भूजल का स्तर ऊंचा हो, जमीन को लंबे समय से जोता बोया ना जाए तो भी भूमि ऊसर हो जाती है। अब बात आती है कि आखिर ये पहचान कैसे की जाए कि भूमि ऊसर हो गई है, यानी इसके लक्षण क्या होते हैं। काई की हरी परत, चटकी हुई मिट्टी, काले स्लेटी धब्बे और नमक की सफेदी। बता दें कि गर्मी के महीने ऊसर भूमि सुधार के लिए सबसे अच्छे महीने माने जाते हैं। ऊसर सुधारने के लिए किसान अपने खेतों को पहले छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उनकी मेड़बंदी कर लें। जहाँ जहाँ ज्यादा नमक फूल रहा हो वहाँ की मिट्टी खुरच कर हटा दें। इसके बाद उन प्लाटों को जुताई कर समतल कर लें, फिर उनमें पानी भर के निकाल दें। इसके बाद जुताई करके समतल कर पानी भर दें और फिर निकाल दें। जून के महीने में सबसे पहले जिप्सम डालें और पानी भर दें। इसके बाद पहली फसल धान की करें, फिर गेहूं की फसल और फिर ढैंचा की फसल करें। 2 सालों तक ऐसे ही खेती करें जिससे ऊसर भूमि पूरी तरह से उपजाऊ हो जाएगी। ऊसर भूमि सुधार के लिए आमतौर पर 3 विधियां इस्तेमाल की जाती हैं, भौतिक एवं यांत्रिक विधि, जैविक विधि और रासायनिक विधि। भूमि लवणीय हो या क्षारीय भूमि सुधार के लिए सबसे पहले भौतिक एवं यांत्रिक विधियों का ही उपयोग किया जाता है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट, आपके लिए एक बार फिर से बता दें, आज हम जिन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं वो है कि किस तरीके से हम लहसुन और प्याज की खुदाई कर सकते हैं, उनका अच्छे तरीके से भंडारण कर सकते हैं जिससे कि आपको बाज़ार में उनका भाव जो है वो अच्छा प्राप्त हो सके, साथ ही साथ आप नुकसान से भी बच सकें। और इसके साथ ही हमारा दूसरा विषय है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से ऊसर भूमि में सुधार लाया जा सके आधुनिक विधियाँ अपनाकर। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आप कोई अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं तो फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर हमें फ़ोन कर सकते हैं, 1800-113-0060 और 61 ये हमारे टोल फ्री नंबर है। जब भी आप इन पर फ़ोन करें बस अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, खास तौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ रहे हों। और इसी के साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर 8800-520-7717, हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com, तीनों में से कोई भी विकल्प चुनें और तुरंत हमसे संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। डॉक्टर प्रमोद, आपसे अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, हम बात कर रहे हैं आज लहसुन और प्याज की खुदाई की, तो जब हम आपने जैसे कि बताया अभी खुदाई की अवस्था जो है वो उसकी आ चुकी है, तो कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना होता है खासतौर से जब हम खुदाई करते हैं। जी, आपको बताना चाहूँगा, प्याज या लहसुन दोनों एक ही कुल के, एक ही परिवार के दोनों फसल्स हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जब आपको पता चल गया कि आपके खेत में प्याज लहसुन की परिपक्वता आ गई है, मैच्योरिटी आ गई और हार्वेस्ट करना है, तो जब आपको ये लक्षण दिखाई दें कि उनकी जो 50-60% जो पत्तियाँ झुक जाती हैं या पीली हो जाती हैं, तो इमीडिएट उस खेत में सिंचाई जो हम करते हैं उसको बंद कर देना चाहिए। बंद करने के बाद दोनों जो फसलें ऐसी हैं कि जिसमें ये मिट्टी के ऊपर ये दोनों बल बनते हैं, ओनियन सॉरी प्याज का हो या लहसुन के ऊपर बनते हैं, अगर अपने हाथ से कटाई कर लिया कि जैसा कि फोटो में दिखाया जा रहा है, तो ये सबसे अच्छे तरीका है जिसमें कम से कम नुकसान होता है और अधिक से अधिक किसानों को लाभ होता है, क्योंकि इसमें बल्ब को किसी प्रकार का झटका नहीं लगता है, उनको इंजरी नहीं होती है, चाहे ओनियन और गार्लिक हो। तो उनको निकालने के बाद, जैसे 15 दिन पहले आपने पानी बंद कर दिया है, निकालने के बाद उसको खेत में ही रखते हैं। खेत में रखने के बाद उनकी जो पत्तियाँ होती है, फिर कंद होता है, तो कंद को उन पत्तियों से ढकते हुए जाते हैं और आज के समय में 2-3 दिन उसको हम खेत में छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विंड्रो क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब ये होता है कि जो भी उसमें नमी हो पत्तियाँ में, अच्छा बल्ब में जो भी नमी है वो मैक्सिमम धूप में सूख जाए और हमारा जो बल्ब है जिसमें TSS होता है वो सॉलिड बल्ब बन जाए, जिसमें मॉइस्चर कम होने से सड़न कम होता है। तो ये तो हमें ध्यान रखना चाहिए क्यूरिंग में। जब 2-3 दिन हमने खेत में प्याज और लहसुन रख लिया, उसके बाद उसको उठा के हमको किसी छाए जगह पर 1 सप्ताह के लिए रखना चाहिए। 1 सप्ताह में रखने के बाद हमें यह ध्यान रखना है कि पूर्ण
पूर्ण रूप से जो हमारे प्याज और लहसुन है उनकी पत्तियाँ बिल्कुल सूख जाती हैं और हमारे बल्ब में जो मॉइस्चर होता है नमी होता हुआ भी सूख जाता है। उसके बाद हमें गर्दन काटना चाहिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेक कटिंग, जो साइंटिफिक वर्ड है। गर्दन काटने का मतलब है कि जो हमारा बल्ब होता है, बल्ब से 2 से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ के उनकी पत्तियों को काट करके हम अलग कर देते हैं। वो पत्तियों जा उनकी जो पत्तियाँ होती हैं जाके हम खेत में खाद बना लेते हैं या कहीं पर उनको डिकम्पोज करने के लग देते हैं। और जो मेरा बल्ब होता है, बल्ब को फिर 1-2 दिन के लिए उसको सुखाने का प्रयास करते हैं। ये लहसुन और प्याज दोनों के लिए सेम विधियाँ हैं, उसमें करना चाहिए। और आपको ये भी बता दूँ कि जितने अच्छे तरीके से आप क्यूरिंग करेंगे, जितने अच्छे तरीके से उसका नेक कटिंग करेंगे, उतना ही अच्छा आपका क्रॉप की फसल की अवधि भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपने नेक कटिंग कर लिया, गर्दन काट लिया पौधियों से, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारी पत्तियाँ सूख करके छोटी छोटी सी हो जाती हैं, उसके माध्यम से कोई नमी ना जाने पाए बल्ब के अंडर, चाहे ओनियन हो या गार्लिक हो। नमी अगर जाती है तो वहाँ पे फंगस का, बैक्टीरिया का अटैक होने की संभावना रहती है, जिसके कारण से आपका फसल में सड़न होता है, स्प्राउटिंग जल्दी होगा और आपका सड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, इतना हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप ये डिपेंड करता है आपको कि आपको जो आपने प्याज उगाया है आपको अभी मार्केट में बेचना है या उसको भंडारण करना है। अगर आपको मार्केट में बेचना है तो उसका श्रेणीकरण कर लें, ग्रेडीकरण कर लें। हम इसके बारे में आगे आपसे ज़रूर जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में जो है वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं ऊसर भूमि सुधार की आधुनिक तकनीकें और इसके साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं प्याज और लहसुन की खुदाई और उसके भंडारण के संबंध में। अगर आपके मन में कोई भी विषय है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर हमें फ़ोन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए और हमारी ई मेल आई डी के जरिए भी। हमारे पहले कॉलर नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनका सवाल लें। हेलो नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ कि प्याज और लहसुन का जो हम लोग भंडारण करते हैं, एक हमारा कच्चा घर होता है, एक फूस और घास से बनाते हैं, छप्पर नुमा होता है, दूसरा पक्का घर, तीसरा हमारा पक्का घर होता है, तो हमको तीनों में किस हिसाब से भंडारण करना चाहिए जिससे हमारा प्याज या लहसुन खराब न होने पाए? जी डॉक्टर प्रमोद, क्या आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा नंदस्वरूप मिश्रा साहब जी। देखिए, जहाँ तक कच्चा घर है पक्का घर का उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको बताना चाहूँगा जो कच्चा घर है वो पक्के घर की अपेक्षा बहुत ही सही है भंडारण करने के लिए, क्योंकि उसमें नेचुरली अगर हम रहते भी उसमें है तो उसमें कम से कम गर्मी लगती है, ठंडा रहता है। आप कच्चे घर में ज़मीन पर भी प्याज को रख सकते हैं अगर थोड़ा सा अपने परिवार के लिए आपने भंडारण किया है तो, या आपके पास जो गार्लिक है उसको भी कर सकते हैं। अगर आपको अधिक मात्रा में कुछ दिन तक करना तो उस पर आप मचान भी बना सकते हैं जो कि मिट्टी से 1 मीटर ऊपर हो, और आपके यहाँ बांस भी होता है, बाती भी होती हैं और खरपतवार भी होते हैं, तो बांस का चट्टान उसका मंच बना लें, जिसको बोलते हैं मचान आपके बाराबंकी में, और उसमें थोड़ा सा दोनों में गैप होना चाहिए ताकि हवा का आना जाना होता रहे। तो इस प्रकार से आप उसको मचान बना कर रख सकते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी उधर का ही हूँ, तो लोग छत के जो कच्चे घर का छत होता है, छत से 2 मीटर नीचे लोग बना लेते हैं मचान, उसमें सामान भी रखते हैं और गर्मियों के दिन में लोग वहाँ प्याज लहसुन भी रखते हैं, तो रख सकते हैं। अगर पक्का घर की बात आ रही है तो पक्का घर में प्याज को रखना उतना
अनुशंसित नहीं है वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हीट होता है और वहाँ पर मचान आप इजी रूप से नहीं बना सकते, एरेशन भी पूरा नहीं होता है। अगर आपके पास पक्का घर ही उसका सोल्यूशन है या उपलब्ध है तो वहाँ भी आप मचान बना कर रख सकते हैं। नीचे प्लास्टर पर जो जूट का बोरी होता है उसके माध्यम से रख सकते हैं, या बोरी में भी पैक कर रख सकते हैं जिसमें हवादार होता है, जिसको लीनो बैग भी आजकल आते हैं प्लास्टिक के, जूट बैग में उनको रखना अच्छा होता है। तो ये जो डिपेंड करता है आपके पास क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, कैसे रख सकते हैं। हम तो बताना चाहेंगे कि जैसे बाराबंकी में है वहाँ घर के बाहर मचान बना लीजिए जिसको, और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा ओनियन स्टोरेज डेवलप किया हुआ उधर, काफ़ी लोग देवरिया में भी लगाते हैं, उसको रखेंगे तो उसमें प्याज रखेंगे, उसमें काफ़ी हद तक उसमें जो सड़न होती है चाहे जर्मिनेशन होता है चाहे रोटिंग होता है काफ़ी हद तक कम होता है। जी और इसी के साथ आइए अब हम रुक कर लेते हैं मनोज जी का। मनोज जी, आपसे हमने ये जाना कि भूमि ऊसर किस तरीके से होती है, लेकिन इसकी क्या पहचान है, किसान को कैसे पता चल सकता है कि उनकी भूमि जो है वो ऊसर हो चुकी है? देखिए, ऊसर की पहचान करने के लिए ऊसर दो तरीके से हम पहचान सकते हैं। एक तो उसकी भूमि की हमारी जलधारण क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर कोई गड्ढा है वहां पर वो पानी अगर उसमें गड्ढे में भरा है तो वो पानी हमारा रिसकर नीचे नहीं जाता है, यानी उसकी कैपिलरी चोक हो गई है, वो हमारी ऊसर भूमि बन गई है। दूसरा जो इसका सबसे साइंटिफिक रीजन है जिससे हम पता कर सकते हैं वो है मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण के नमूने के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी में कितना पीएच मान है। अगर पीएच मान हमारा 8.5 के ऊपर है तो हमको चिंता करने की आवश्यकता है कि वो हमारी मिट्टी अब धीरे धीरे ऊसर बंजर हो रही है। कहीं कहीं पर उसको कलर भी कहते हैं, यानी वो ऊसर बंजर या कलर हो रही है। तो इस तरीके से तो हम पहचान कर सकते हैं। जहां तक हम ऊसर के आंकड़ों की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में 2018 में हमारा 75 लाख हेक्टेयर भूमि जो थी वो ऊसर थी, लेकिन कई योजनाओं के चलने के बाद धीरे धीरे सुधार होने के बाद अब वो 50 लाख हेक्टेयर तक आ गई है। लेकिन ऊसर भूमि हमारी जो होती है वो तीन प्रकार की एक तरीके से हम कह सकते हैं, उसकी पहचान हम कर सकते हैं। एक तो वो भूमि होती है जिसमें धान और गेहूं दोनों हो रहा हो लेकिन उत्पादन कम हो और उसका पीएच मान 8.5 के ऊपर हो, तो वो हमारी भूमि दोनों फसलों का उत्पादन प्रभावित कर रही है, यानी हम वो उसमें ऊसर है लेकिन 8.5 से ऊपर है। इसके बाद दूसरी प्रकार की भूमि, हम केवल धान की फसल ले पा रहे हैं, गेहूं की फसल बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं लेकिन उत्पादन प्रभावित हो रहा है यानी कम हो रहा है, तो एक तो उस प्रकार की भूमि है। तीसरी प्रकार की ऊसर भूमि हमारी ऐसी होती है जो बिल्कुल बंजर पड़ी होती है, जहां पर ऊपरी सतह पर रेह पाई जाती है और उसमें कोई फसल नहीं होती, ना धान गेहूं कोई घास भी नहीं जमती है, वो हमारी भूमि ऊसर भूमि तीसरी प्रकार की होती है। इन तीनों भूमि का अगर हम सुधार की बात करें तो तीनों का सुधार करने के लिए हमको सबसे पहले चरणबद्ध रूप में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि चरणबद्ध रूप से अगर हम ऊसर का सुधार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो ऊसर है वो ढंग से नहीं सुधर पाएगा। इसके लिए किसान भाइयों को सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने खेत की मिट्टी का नमूना निकालकर उसका मृदा परीक्षण करवाकर उसके आधार पर जिप्सम की रिक्वायरमेंट निकलवा लें, यानी जीआर वैल्यू जब निकल आएगी तो हमको पता चल जाएगा कि उस खेत में कितनी जिप्सम की आवश्यकता है और पीएच मान पता चल जाएगा। उसके बाद दूसरा कार्य ये करना है सबसे पहले किसान भाइयों को कि जब बरसात हो, यानी जुलाई बढ़िया में मजबूत मेड़बंदी कर ले, क्योंकि जो हमारी दो प्रकार की तो मेड़ आसानी से बन जाएगी लेकिन जो बंजर भूमि पड़ी हुई है रेह है जिसमें, उसमें मेड़ बनने में बहुत दिक्कत आती है और मजबूत मेड़बंदी का ऊसर सुधार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो मजबूत मेड़बंदी कर लें, उसके बाद जब मजबूत मेड़बंदी कर लें तो उसमें हम उस खेत को हमको समतलीकरण करने की आवश्यकता है, यानी हम छोटे छोटे गाटे में उसको बांट कर उसका समतलीकरण ऐसा कर लें कि जैसे हमारा मेज का टेबल टॉप होता है उस तरीके से समतलीकरण करना अनिवार्य है, क्योंकि जितना अच्छा समतलीकरण करेंगे उतना अच्छा हमारा ऊसर का सुधार होगा। अब जब आपने इन प्रक्रिया को कर लिया, करने के बाद आपकी मिट्टी के नमूने में जांच के आधार पर यह भी पता चल गया कि उसमें हमको मृदा सुधारक कितना डालना है जी, तब हम मृदा उसमें जगह जगह पर हम लाकर उस जिप्सम को बिखेर दें और बिखेरने के बाद उसकी कल्टीवेटर से हल्की सी जुताई करके उसमें पानी भर के हम उसमें लीचिंग प्रोसेस कर दें,
यानी जिप्सम को मिलाने के बाद कल्टीवेटर की सहायता से जुताई करनी है, जुताई करने के बाद उसमें पानी 10 सेंटीमीटर 10 दिन तक कम से कम भरा रहे, तब जाके वो लीचिंग का प्रोसेस अच्छा होगा, जितना उसमें रिसाव क्रिया अच्छी होगी उतना उसर का सुधार अच्छा होगा। जी बिल्कुल, कुछ और भी इसी से संबंधित प्रश्न हैं हमारे पास, वो भी आपसे ज़रूर हम जानेंगे मनोज जी। डॉक्टर प्रमोद, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, खुदाई के संदर्भ में आपने जानकारी दी कि किस तरीके से जो है वो खुदाई करनी चाहिए, लेकिन खुदाई से पहले और खुदाई के बाद कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि हम लोग भंडारण की बात कर रहे हैं तो भंडारण में बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट में, जिसको अगर हम अच्छे तरीके से ध्यान रखें, पूरा प्लानिंग करके क्रॉप को लगाएं तो बहुत अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पहला चीज़ बताऊंगा कि जो हम प्याज या लहसुन लगा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य अगर व्यापारिक रूप से आपको मार्केट में उसका स्टोरेज करके पैसा अच्छा आमदनी करना है, या आपको क्रॉप इमीडिएट खाली करके आपको कच्चा करना मार्केट में बेच देना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट इस समय हम ये मान के चलते हैं हम अपने किसान भाइयों का कि वह प्याज और लहसुन को कमर्शियल रूप से कर रहे हैं, व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं, उनको अच्छे से पैसे आमदनी होनी चाहिए। एक तो प्रजाति का चुनाव, आप सॉइल एप्लीकेशन, खाद जो देना होता है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास यूरिया जो होता है, तीसरा चीज़ कि जो उसमें आप पानी दे रहे हैं पानी देने का विधि क्या है, फ्लड इरीगेशन से दे रहे हैं, ड्रिप इरीगेशन से दे रहे हैं, या आप माइक्रो स्प्रिंकल से दे रहे हैं, चौथा चीज़ जो उसमें दवा डाल रहे हैं दवा किस स्टेज पे डाल रहे हैं कब डाल रहे हैं, पांचवा जो आप कटाई करने जा रहे हैं कटाई आप किस विधि से कर रहे हैं, पानी मॉइस्चर कम है उसमें खेत में या अधिक है या बल्ब में करके, तो ये तो हो गया प्री हार्वेस्ट जो टेक्निक होती है। सेकेंड होता है पोस्ट हार्वेस्ट, जिसको बोलते हैं फसलोपरांत, फसल काटने के बाद आपने क्यूरिंग कर लिया, जैसा कि पहले हमने बताया क्यूरिंग करने के बाद उस बल्ब का आपने नेक कटिंग कर लिया है प्याज और लहसुन का, अब आपको भंडारण के लिए उसके लिए जो जो भंडारण गृह बनाया आपने, एक भंडारण गृह है जो आज के तारीख में उत्तरी भारत में या पूरे हम देश में बोलें नेचुरल वेंटिलेटेड ओनियन स्टोरेज का हम लोगों ने विकास किया था NHRDF ने बहुत पहले, जिसके ऊपर भारत सरकार पैसे देती है डिफरेंट प्रोजेक्ट में, वो लगाने के लिए हुआ। और उसमें उसमें क्या फ़ायदा होता है कि उसमें नेचुरल वेंटिलेटर मतलब हवा आता है हवा जाता है, अगर हवा का सर्कुलेशन बना रहता है तो आपका प्याज खराब होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है भंडारण गृह के लिए 50 मीट्रिक टन का या 25 मीट्रिक टन का या 5 मीट्रिक टन का, कि जो भंडारण करते हैं ज़मीन से लगभग 1 मीटर ऊँचा, और जो आप उसमें बांस लेते हैं या लकड़ी लेते हैं लोहे को हमें अवॉइड करना चाहिए, और उसमें 1 से 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का गैप रखना चाहिए अगर आपने बांस लिया या लकड़ी लिया है तो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि नीचे से हवा ऊपर जाएगा, ऊपर से हवा नीचे आएगा, लेफ्ट और राइट में भी हवा जाएगा, तो इस तरह से उसमें अगर हवा जो प्राकृतिक हवा अगर प्राकृतिक हवा उसमें घूमते रहा तो उसमें संभावना कम है आपके सड़ने की। एक चीज़ जैसे कि हम बता रहे थे पहले कि अगर आपको बाज़ार में लेके जाना तो श्रेणीकरण कर लीजिए, सेम विधि का उपयोग हम यहाँ प्याज और लहसुन में भी करते हैं जिसको भंडारण करना है। अगर बल्ब आपके छोटे हों जिसमें कभी कभी रोग लगे हैं तो उसको अलग कर लेना चाहिए, और हमें समान रूप से 3 तरह के ग्रेड बनते हैं बल्ब, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो ए ग्रेड को आप अलग कर लीजिए, जिसका हम प्याज के केस में बताऊँ जिसका जो साइज होता है 4.5 से लेकर 4.5 से लेकर के 6.5 उसका डायमीटर होता है, बी ग्रेड में वो आता है जो कि 3 से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर का जो डायमीटर होता है, और जो 3 से नीचे होता है उसको सी ग्रेड का बल्ब बोलते हैं। तो सी ग्रेड का बल्ब को हमको भंडारण के लिए नहीं रखना चाहिए, जिसको कमर्शियल जाके हमें मार्केट में बेचना है उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अगर आपको बीज उत्पादन में इसका उपयोग करना है तो सी ग्रेड का बल्ब आप रख सकते हैं। तो अगर आपने श्रेणीकरण कर लिया बल्बों का तो अच्छी तरह से सुखा के उसको रख सकते हैं, और जो भी आपने भंडारण गृह बनाया जो हमने बताया नेचुरल वेंटिलेटेड ओनियन स्टोरेज, उसका 3/4 मतलब 75% तक प्याज से उसको भर दें। प्याज को भरते समय यह ध्यान रखना है कि प्याज चोटीले ना हो, किसी प्रकार से उनको चोट ना लगे या किसी प्रकार में उनमें घाव न लगे, या पर कहीं पर उनका सिल्क जिसको बोलते हैं उनका जो छिलका उतर गया है, तो ऐसा हमें भंडारण गृह में नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो उसमें बीमारी आने की संभावना काफ़ी रहती है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि भंडारण गृह को भंडारण करने के पहले अगर आपके पास कार्बेंडाजिम है
1% का घोल बना करके अगर पूरे ओनियन स्टोरेज का प्याज भंडारण गृह जो बनाकर आप स्प्रे कर देते हैं तो वहाँ से फंगस की बीमारी के लगना संभावना कम हो जाती है। तीसरा चीज़, इस तरह से आप लहसुन में भी कर सकते हैं, प्याज में भी कर सकते हैं। अगर ये मई चल रहा, मई का सेकेंड फोर्थ नाइट में हम लोग हैं, अगर अभी हम रखते हैं तो जो बारिश का टाइम आता है प्याज में ऐसा लक्षण होता है, अगर प्याज में सड़न शुरू हो जाता है तो आप रोज़ उसके पास जाते हैं, आपको उसके सुगंध आती है, तो आपको सॉर्टिंग ग्रेडिंग का प्रबंध करना चाहिए सामान्य रूप से। अगर अच्छे तरीके से आपने क्योर किया, अच्छे प्रजाति का आपने उपयोग किया है तो वह भंडारण काफ़ी दिन तक जा सकता है। जैसा कि ज्योत्सना जी ने पूछा कि प्रजाति, तो हमें उन प्रजातियों का चयन करना चाहिए, जैसे आपको बता दूँ एग्रीफाउंड लाइट रेड वेराइटी बहुत पुरानी है लेकिन आज भी काफ़ी पॉपुलर है, NHRDF Red 2, NHRDF Red 3, NHRDF Red 4, और अभी एक नई प्रजाति है ये जिसको बोलते हैं NHRDF Fortsungi, बहुत ही अच्छी प्रजाति है, बल्ब का साइज भी अच्छा है, मार्केट में डिमांड भी अच्छा है और इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी आदर प्याज की प्रजातियों से काफ़ी अधिक है। तो हमारे किसान भाइयों का प्रजातियों का चयन करते समय बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस तरह से लहसुन की भी हम बात कर लें तो लहसुन के बारे में बताना चाहूँगा कि इस समय भारत सरकार, भारत में जितनी भी प्रजातियाँ निकली हैं लहसुन की, उसमें से अधिक प्रजाति 18 प्रजाति NHRDF की है, जो कि वह यमुना सफ़ेद पार्वती 1-2 से लेकर यमुना सफ़ेद 3-4-5-9 तक सीरीज जाती है, वो आप उसको रख सकते हैं। और ये प्रजाति जो भंडारण के लिए काफ़ी उपयोग है, यमुना सफ़ेद 3, यमुना सफ़ेद 4, यमुना सफ़ेद 8 और यमुना सफ़ेद 10 पर्पल का है, आप इसको इन प्रजातियों को प्रेफर करके लगाने का प्रयास करें तो निश्चित ही आपका भंडारण क्षमता क्रॉप का अच्छा रहेगा, तो आपको अच्छा आमदनी मिलेगा, जो कि जाके अक्टूबर नवंबर में आप उसको व्यावसायिक रूप से मार्केट में बेचते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में बातचीत का सिलसिला तो आगे जारी भी रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए वक्त हो चलका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कई मजाए देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आप भी अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्याज लहसुन की खुदाई एवं भंडारण की और साथ ही जानकारियां हासिल कर रहे हैं ऊसर भूमि को किस तरीके से आधुनिक तकनीकों से आप सुधार सकते हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं मनोज जी का। मनोज जी, आपसे अब यही जानना चाहेंगे हम, आपने बताया कि किस तरीके से ऊसर भूमि की पहचान की जा सकती है, कौन कौन से चरणबद्ध तरीके से जो है वो हमारे किसानों को काम करना चाहिए, लेकिन क्या फसल चक्र अपना कर या कोई इस तरीके की फसलें हो जिनको अपनाकर किसान अपने खेतों में लगाएं और भूमि में सुधार कर सकते हैं? देखिए, ऊसर भूमि का सुधार करने के लिए चरणबद्ध और क्रमबद्ध के साथ साथ फसल चक्र का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी देखिए, ऊसर भूमि में एक तो जीवांश पदार्थों की कमी हो जाती है और जो हमारी ऊसर भूमि है वो सीमेंट की तरह कड़ी हो जाती है, उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की उपलब्धता बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि जब उसमें वायु का संचार नहीं हो रहा, जल नीचे प्रवेश नहीं कर रहा, तो उसकी जो रंध्रावकाश है वो बंद हो जाते हैं, तो उस वजह से हमारी जो भूमि है वो ऊसर बनने लगती है। अगर उसमें हम धान की फसल से अगर हम ऊसर का सुधार करें तो निश्चित रूप से हमारी जो ऊसर भूमि है बहुत अच्छी तरीके से सुधार हो सकता है। इसीलिए देखिए, जब आपको बताया कि जुलाई माह में जब बरसात होती है तब हमको मजबूत मेड़बंदी करने लेनी चाहिए, यानी तात्पर्य यह है कि अगर हमको ऊसर भूमि का सुधार करना है तो हमको एक वर्ष पहले से उस खेत की तैयारी करनी की आवश्यकता पड़ेगी।
जब हम एक वर्ष पहले से उसको प्रारंभ कर देंगे, तो जब हमारा अब मई माह में धान की नर्सरी डालने की आवश्यकता पड़ती है, 20 से 25 मई के बीच हमको धान की नर्सरी डाल देनी चाहिए, तो हमारी जो सामान्य भूमि वाली प्रजातियां हैं उनका प्रयोग हमको ऊसर भूमि में नहीं करने की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की प्रजातियां धान की विकसित है, CSR 10 है, 13 है, CSR 256 है, CSR 60 है। इन प्रजातियों का अगर हम अपने ऊसर भूमि में प्रयोग करते हैं तो ये लवण अवरोधी प्रजातियां हैं, ये ऊसर भूमि में उत्पादन ज्यादा देने के साथ साथ हमारी जो ऊसर भूमि है उसको सुधार करने में भी सहायता पैदा करती है। तो हमको प्रयोग उन प्रजातियों का करने की आवश्यकता है जो लवण अवरोधी प्रजातियां हैं। अब जैसे बात आती है कि हमको ऊसर भूमि में धान की रोपाई करनी है, तो उससे पहले जब हमने आपको बताया कि आप ऊसर भूमि में 10 दिन तक 10 सेंटीमीटर रिसाव भी है कि हमारी जो ऊसर भूमि है वो पानी की अधिकता से बनती भी है और पानी की उपलब्धता से सुधरती भी है, तो निश्चित रूप से वहां पर एक सुनिश्चित बोरिंग की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए जिससे कि हमारे खेत में पानी बराबर मिलता रहे, जिससे हमारी ऊसर भूमि का सुधार हो सके। तो धान की अगर हमको नर्सरी डालने की आवश्यकता है तो वहां पर लवण अवरोधी प्रजातियों का एक हेक्टेयर में 60 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। 60 किलोग्राम लवण अवरोधी प्रजाति को हम लाएं और 20 से 25 मई के बीच में उसकी नर्सरी को हम डाल दें। लेकिन सामान्य भूमि में धान की रोपाई करने की और ऊसर भूमि में धान की रोपाई करने में दोनों में अलग अलग स्थितियां हैं, क्योंकि ऊसर भूमि हमारी सीमेंट की तरह कड़ी है और धान की नर्सरी यदि हम 20 से 25 दिन की लगाते हैं तो हमारे ऊसर में सर्वाइव नहीं करेंगी, यानी वो पीली पड़ के बेहन हमारी मर जाएगी। तो वहां ऊसर भूमि में हमको आवश्यकता ये पड़ेगी कि जब हमने जिप्सम से उसको शोधित कर लिया, जब शोधित करने के बाद वो हमने पानी निकाल कर बाहर कर दिया लीचिंग क्रिया करने के बाद, तो धान की जो नर्सरी है वो हमको कम से कम 30 से 35 दिन की उसमें प्रयोग करनी चाहिए, और 30 से 35 दिन की अगर हम नर्सरी प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे ऊसर भूमि में सर्वाइव करेगी और अच्छे तरीके से हमारा उत्पादन देगी। तो यहाँ पर उस जब उस धान की रोपाई हम करने जा रहे हैं तो उसको आवश्यकता यह है कि हम जिप्सम ले लें और जिप्सम का घोल बना लें। घोल बनाने के बाद वो जो रोपाई के लिए आपने बीज बनाए हैं लाए हैं धान के, उनको उससे शोधित कर दें, और शोधित कर इसलिए करने की बात करते हैं क्योंकि उसमें नमक होता है, उसमें सॉल्ट ज्यादा होता है, वो सीमेंट की तरह कड़ी होती है। जब हम शोधन कर देते हैं तो जिप्सम का ये कार्य है, जिप्सम हमारी मिट्टी को बिल्कुल पोला, उसके मिट्टी के रंध्रावकाशों को खोल देता है और हलवे की तरह हो जाती है। तब वहां पर अगर हम 30 से 35 दिन की तो निश्चित रूप से वो पौधे हमारे पनपेंगे और उत्पादन अच्छा देंगे। वहां पर एक महत्वपूर्ण विषय भी है कि हमको वहां पर प्लांट पॉपुलेशन देखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक वर्ग मीटर में अगर 65 से 70 गूले नहीं आ रहे हैं तो हम उस ऊसर भूमि में धान की जो रोपाई है वो हमारी सफल नहीं है, यानी हम उत्पादन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उसके लिए बहुत सामान्य तरीका है कि अगर यदि हम एक साइकिल का टायर ले लेते हैं और जहां पर हमारी महिलाएं धान की रोपाई कर रही हैं वहां पर यदि हम बीच में उस टायर को डाल दें और डालने के बाद अगर उस टायर के अंदर 65 से 70 गूले आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी ऊसर भूमि सुधरेगी और उसमें उत्पादन भी अच्छा होगा। तो वहां पर हमको पूंजे भी बढ़ाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ मनोज जी आपके लिए एक सवाल आया है कि राजस्थान से जटिल यादव जी ने भेजा है, वो कहते हैं कि ऊसर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए और ऊसर भूमि में सुधार किस प्रकार से करें। देखिए ऊसर भूमि में पीएच मान हमारा 8.5 से लेकर अगर 10.5 तक भी है तो वो हमारा ऊसर भूमि कहलाती है, 8.5 से नीचे है तो हमारी ऊसर भूमि है। उसके सुधार के लिए इनको करना यही है कि अपने खेत की मजबूत बंदी कर दें और उसके बाद अपने मिट्टी की नमूना निकाल कर नमूने में जब जांच के लिए आएगा तो उसमें ये पता चल जाएगा कि पीएच मान कितना है, दूसरा उसमें जिप्सम की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि जिप्सम एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मृदा सुधारक का रोल अदा करता है। और आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान में
लाइन कट हो गया जी बिल्कुल। और इसी के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर प्रमोद, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हमने बात कर ली कि खुदाई से पहले और खुदाई के उपरांत कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है। आपने बहुत अच्छी वैरायटीज़ के बारे में भी बताया, लेकिन अब बात आती है भंडारण की। तो क्योंकि भंडारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होती है किसान के लिए, क्योंकि अब उनकी फसल जो है वो तैयार हो चुकी है, उसको भंडारण करना है जिससे कि वो आगे उसे बाजार में ले जा सके और अच्छा मूल्य जो है वो उनको हासिल हो सके। तो किस तरीके से भंडारण गृह कैसा होना चाहिए, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आपको पता है कि जो प्याज एक ऐसी फसल है, लहसुन, कि सालों बार हर किचन में हर रसोई में बनता है, चाहे पार्टी हो, चाहे रसोई हो, चाहे कहीं भी प्रोग्राम होता है उस पर बनता है। और जितने भी प्याज और लहसुन होते हैं, ये रबी की फसल है। रबी की फसल का भी हार्वेस्टिंग चल रहा है अप्रैल और महीने में, और इस रबी की फसल को हमें आने वाले एक साल तक इन्हीं फसलों से जो हम लोगों ने भंडारण किया है, हम लोग किचन में या मार्केट में सप्लाई करेंगे। इवन एक्सपोर्ट भी इसी का होता है। समान रूप से जो भंडारण का जो तरीका है, हमने बताया कि नेचुरल वेंटिलेटेड ओनियन स्टोरेज होना चाहिए। उसमें हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि आजकल कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ इंस्टीट्यूट ने कोल्ड स्टोरेज में भी प्याज की रखने की प्रक्रिया शुरू की है। टेस्ट कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय भी इसमें काफ़ी अग्रणी है, जो आज के समय में माननीय सचिव महोदय हैं। कितने मीटिंग में भी हम लोग भी गए थे। तो जो कोल्ड स्टोरेज जो ओनियन रखने की बात आ रही है, 0 से लेकर 2% उसमें टेम्परेचर होना चाहिए। और जो आर्द्रता, आर्द्रता बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वह 65 से 70% के बीच में अगर होता है, और भंडारण हम करते हैं इस समय अप्रैल से लेकर के और उसको निकालते हैं नवंबर महीने में, तो उसमें लॉसेस काफ़ी कम आए हुए हैं, ऐसा कि जो इन लोगों ने ट्रायल किया उन्होंने बताया है। सेकंड थिंग, इसमें आपको ये भी बताना चाहूँगा, एक होता है इरिडेशन होता है। अगर इरिडेशन, जो कि NHRDF का एक लासलगांव सेंटर है, वहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक इरिडेशन सेंटर है, अगर प्याज को अगर हम इरिडेशन कर देते हैं, तो जो लहसुन और प्याज में, स्पेशली प्याज में जो जमाव से नुकसान होता है, वह 4 से लेकर 6% तक होता है, उसको हम चेक कर देंगे, क्योंकि उसकी एम्ब्रियो डेड हो जाती है, वो जर्मिनेशन उस पर नहीं होता है। और आपको पता है कि जो प्याज में समान रूप से जो लॉसेज आज तक हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं, वह आपको 25 से 30% तक जाता है। डिपेंड करता है, बहुत से फैक्टर हैं कि कैसे हार्वेस्ट हुआ है, कहाँ रखा गया, कौन सी प्रजाति है, बारिश में भीगा नहीं भीगा है, छोटे साइज हैं, बड़े साइज हैं, रोग वाले रखे गए हैं। और एक NHRDF ने एक नई ओनियन स्टोरेज को अभी डेवलप किया है, हम लोग वैलिडेशन भी कर रहे हैं उसको। उसमें जो लॉसेज हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, 10 से 12% तक किया है, जो कि समान रूप से 50% लॉसेज को वो काफ़ी कम तक करता है, और उसमें लागत भी काफ़ी कम आता है। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग ने उसको एडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। वह एक रूम होता है जिसमें हम एयर सर्कुलेशन उसको मेंटेन करते हैं, नीचे से हवा जाती है, ऊपर से हवा आता है, वो उसी में सर्कुलेशन होता रहता है। और बारिश के समय में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम उसमें बल्ब को भी जलाते हैं और एग्जॉस्ट फैन भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से अधिकांश प्याज का जो भंडारण हम कर सकते हैं। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि जो आपने प्याज का भंडारण किया है, किस मंथ में निकालना है, उसको एक्सपोर्ट के लिए देना है, किस कंट्री को देना है, या लोकल मार्केट पर देना है। तो जो भारत में प्याज की रिक्वायरमेंट होती है, उसका 65 से 70% तक रबी सीजन का जो प्याज होता है, उसको हम लोग उसमें रखते हैं। इस तरह से जो खरीफ प्याज है, चाहे देर वाली बोलते हैं, लेट खरीफ प्याज की जो बात करते हैं हम लोग, वह फिर 25 से 30% के आसपास में होता है, जो कि इस समय आ रहा है। इस समय जो रबी आ रहा है, लेट खरीफ आ रहा है, तो समान रूप से हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि जब आप भंडारण करते हैं प्याज का बाहर खेतों में या खेतों के पास में, घर के पास में, तो बारिश के समय में आपको पूर्ण रूप से ये ध्यान रखना है कि आपका प्याज या लहसुन किसी प्रकार से पानी के संपर्क में ना आवे। अगर बाई चांस पानी के संपर्क में आ गया है, तो एक कच्चा है जिसको पेरिसेबल आइटम बोलते हैं, उसमें सड़ाव जल्दी होता है, फंगस और बैक्टीरिया आने की संभावना होती है। इस तरह से हम अपने प्याज को बता सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कभी कभी प्याज हम लोग घर पर काटते हैं, कभी कभी काटने के बाद उसमें 2-3 से प्याज दिखते हैं, आप देखें 2-3 उसमें खाने बने हुए हैं। कभी कभी प्याज को काटने के बाद काला काला सा पाउडर सा हाथ में लग जाता है या उसके अंदर में होता है, तो ये हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। उसको ब्लैक मोल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में काला ढाबा बोलते हैं। वो एक प्रकार के फंगस से होता है। प्याज को अगर आपने हार्वेस्ट करने के पहले MS डाल देते हैं या कार्मेडाजी में अगर डाल देते हैं,
तो फंगस आपके खेत से और प्याज पर नहीं आएगा। और इसके लिए जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि जो भंडारण गृह है आपको उसमें 1% कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो जो ब्लैक डब्बा आने की जो संभावना रहती है बीमारी का वह नहीं आएगा। और प्याज मार्केट में लेकर जाएंगे आपको अच्छा आमदनी मिलेगा, इवन घर पर भी काटते हैं अच्छा मिलेगा। और प्याज में एक और ध्यान रखने की बात है, उसमें डबल भी हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया डबल ट्रिपल हो जाते हैं, कभी कभी स्टॉक निकल जाता है। तो इस तरह से प्याज को भंडारण के लिए उचित नहीं माना जाता है और मार्केट में इसका प्रेफरेंस भी कम होता है, डिमांड काफ़ी कम होता है। तो हमें जो बोल्टर वाले जो हैं, बोल्टर वाले हैं दो फल का तीन फल का बोलते हैं मराठी में, उसको अलग कर देना चाहिए, मार्केट में बेच देना चाहिए, उसको भंडारण के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि भंडारण में रखने से उसमें सड़ाव जल्दी होता है, हमारे किसान भाइयों का नुकसान हो सकता है। तो हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि ये छोटी छोटी सी जो वैज्ञानिक विधि हम लोग बताते हैं अगर आप में ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे से अच्छे आमदनी आएगा और हम भी सभी वैज्ञानिकों को खुशी होगी। जी बिल्कुल, और इसी के साथ कार्यक्रम में चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और कुछ व्हाट्सएप पे आए हमारे जो प्रश्न हैं दर्शकों के उनको करेंगे शामिल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहां हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कि ऊसर भूमि में किस तरीके से आधुनिक तकनीकों को अपनाकर सुधार लाया जाए और कैसे आप प्याज और लहसुन का भंडारण कर सकते हैं और उनकी खुदाई कर सकते हैं। अब आइए व्हाट्सएप पे आए कुछ प्रश्न हैं हमारे पास जिनको शामिल करते हैं। ये प्रश्न हमें भेजा है हरियाणा से भूमि हुड्डा जी ने, और वो ये पूछते हैं कि क्या ऊसर भूमि को सिंचाई द्वारा फसल उगाने योग्य बनाया जा सकता है? मनोज जी क्या बताएंगे? भूमि सुधार नहीं किया जा सकता है क्योंकि केवल अगर हमारी मिट्टी में रेह है तो हम उसको फ्लश करके ऊपर से रेह तो बहा सकते हैं सिंचाई करके जल निकास नाली के द्वारा, लेकिन उसमें मृदा सुधारक के रूप में चाहे जिप्सम हो, चाहे धान की पुआल हो और या जलकुंभी हो, इन चीजों को उसमें सड़ाने की आवश्यकता है। जब इन चीजों को हम सड़ाएंगे तभी हमारा ऊसर का निश्चित रूप से सुधार अच्छा होगा। दूसरा, फसल चक्र अपनाने की आवश्यकता है, तो पहले धान, फिर गेहूं, फिर जायद में ढैचा, क्योंकि अगर ये तीनों का फसल चक्र अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ऊसर का स्थायी सुधार होगा। पहली बात खरीफ में करते हैं क्योंकि जो रिसाव क्रिया हम करते हैं जिप्सम डालने के बाद और जब धान की रोपाई कर देते हैं तो निरंतर वो हमारी जब तक धान की फसल रहती है, क्योंकि वो पानी वाली फसल है तो निरंतर जमीन में रिसाव का क्रिया चलती रहती है और ऊसर का स्थायी सुधार होता है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे पास एक प्रश्न और आया है आपके लिए, उसे भी हम जो है वो कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। ये हमें भेजा है रितेश जी ने छपरा बिहार से, वो ये कहते हैं कि मेरा 2 एकड़ का खेत है, थोड़ा ऊसर है, उसे उपजाऊ बनाने के जो तकनीक है वो बताएं। रितेश जी, आपको ऊसर का सुधार करना है, आपका जो 2 एकड़ खेत है उसके लिए आपको निश्चित रूप से आप उसका स्थायी सुधार करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पहले तो आपको करना यही है कि आप अपने खेत की मिट्टी को निकालकर मृदा परीक्षण के लिए भेजते हैं, वहां पर मृदा परीक्षण का जो परिणाम आया उसके आधार पर आप जिप्सम की आवश्यकता अनुसार प्रबंध कर लें। जिप्सम का अगर प्रबंध आपके पास नहीं है तो आप जलकुंभी या जो पुआल है धान की उसको भी सड़ा सकते हैं,
लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने खेत की मजबूत मेड़बंदी कर लीजिए, वहां पर पानी का सुनिश्चित प्रबंध कर लीजिए, जल निकास नाली बनवा दीजिए, और जल निकास नाली बनाते समय विशेष ध्यान ये रखिए कि दूसरे के खेत में काटकर आप उस पानी को कतई न निकालें, क्योंकि अगर आपने अपना तो खेत सुधार लिया लेकिन दूसरे का आप खराब कर देंगे, तो जल निकास नाली का ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि खेत नाली के बाद वो जाकर संपर्क नाली में बढ़ता है, और संपर्क नाली जो ले जाती है वो हमारा मुख्य नाला या समुद्र में ले जाकर या नदी नाले में वहां पर वो गिरे, जिससे कि आपके खेत के साथ साथ दूसरे का खेत खराब ना हो। आपका खेत तो सुधरना है लेकिन दूसरे का खेत खराब हो सकता है। फिर इसके बाद आपको करना यह है कि लवण अवरोधी प्रजातियों का धान की प्रजाति ले आइए, चाहे वो CSR 56 हो, CSR 60 हो। CSR 60 के बारे में आपको बताएंगे कि ये धान की सुगंधित प्रजाति है। आजकल बासमती टाइप की प्रजातियों का बड़ा प्रचलन हो रहा है, ये लवण अवरोधी प्रजाति बासमती की है, यानी कि आप उत्सर में भी सुगंधित धान का उत्पादन कर सकते हैं। तो आप उसकी जो है नर्सरी डालिए, नर्सरी डालने के बाद 30 से 35 दिन की जब आपकी पेहन हो जाए तो वहां पर आवश्यकता अनुसार जो आपकी जिप्सम के रिक्वायरमेंट के साथ साथ जो उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने की जो संस्तुति आई है उसके आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करिए, लेकिन अपने खेत में गोबर की कंपोस्ट खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए, क्योंकि हमारी जो ऊसर भूमि है उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की उपलब्धता बिल्कुल नगण्य हो गई है, यानी ना के बराबर हो गई है। तो गोबर की जितनी खाद है वो प्रयोग करिए, उसके बाद आप अपने धान की नर्सरी जब निकालेंगे 30 से 35 दिन की उसकी रोपाई कर दीजिए। रोपाई करने के बाद आवश्यकता अनुसार समय समय पर खाद पानी देते रहिए, निश्चित रूप से आपका खेत सुधरेगा और आपका ऊसर का स्थायी सुधार होगा। बिल्कुल, और इसके साथ मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और विषय से संबंधित इतनी अच्छी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी और उनके जो उनकी समस्याएं थी उनका समाधान भी किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चलते चलते प्रमोद जी आपसे भी मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी डॉक्टर प्रमोद कि जब हम बात करते हैं कि बरसात के मौसम में भंडारण की, तो किस तरीके से भंडारण किया जाए प्याज और लहसुन का, और ख़ास तौर से बात आती है कि खरीफ के मौसम में अगर कोई बुआई करना चाहता है प्याज और लहसुन की तो कौन कौन से ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना। जी, आपने अंत में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे कि जो हमारे रबी की प्रजातियाँ जिसका तो हम लोगों ने भंडारण कर दिए, और आपको सावधानी ये रखना है कि आपको प्याज जो रखेंगे श्रेणीकरण करके रखेंगे, बारिश के पानी से भीगने ना पावे, अगर उसमें किसी प्रकार के सड़ाव का आपको सुगंध आता है तो उसको इमीडिएट छटाई करनी चाहिए। आपने जो ज्योत्सना जी ने क्वेश्चन पूछा खरीफ में कौन कौन सी प्याज के लिए क्या कर सकते हैं, तो खरीफ के लिए जो प्याज की प्रजाति का चुनाव उसको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इस समय बहुत कम ही प्रजातियाँ खरीफ की हैं, उसमें एग्रीफाउंड डार्क रेड बहुत पुरानी वैरायटी है लेकिन आज भी काफ़ी प्रचलित है, जो कि 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। एक और नई वैरायटी है लाइन 883, ये अभी NHRDF में निकाला 2 साल पहले, उसकी बहुत ही अच्छी प्रजाति है, ये 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती है और इसका मार्केट में काफ़ी अच्छा डिमांड है। तो दो वैरायटी खरीफ के लिए काफ़ी उचित है। इसके अलावा भीमा रेड है, पूसा रेड है, नासिक रेड है, इन प्रजातियों को लगाया जा सकता है। प्रजाति लगाने के लिए जब भी आप जहाँ से लेते हैं वहाँ से आप मूल रसीद लें और बेहन में डालने का प्रयास करें, बेहन जिसको बोलते हैं नर्सरी में डालने का तैयारी करें, और लास्ट वीक ऑफ मई में लेकर के और 15 जून तक नर्सरी में डाल सकते हैं, और उत्तरी भारत में इसको थोड़ा सा नर्सरी में डालते समय हम सबको ध्यान रखना चाहिए। बाकी उत्तरी भारत को छोड़ के बाकी मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों का सुझाव है, अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित ही जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है 2x-3x उनका आय होने का, निश्चित ही उनका आय 2x-3x होगा। और प्याज लहसुन जीवन का आधार है, सब्जी का आधार है, और एक्सपोर्ट के लिए भी इम्पोर्ट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी नमस्ते जी, बिल्कुल। और एक चीज़ यहाँ पर आपसे हम और जानना चाहेंगे कि जब हम खासकर बात करते हैं, जैसे कि आपने बोला भी कि हम इसको एक्सपोर्ट भी जो है वो कर सकते हैं आराम से, तो किस तरीके से हमारे किसान जो है वो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उस दौरान जो मार्केटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, और इसकी पैकेजिंग की अगर बात करें तो वो किस प्रकार की होनी चाहिए, जिससे कि फसल जब आगे किसी देश में जाए तो उसके अंदर किसी तरीके का कोई ख़राबी ना हो। जी, आपको बताना चाहूँगा कि जो प्याज एक्सपोर्ट हो रहा है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से 80% के आसपास में एक्सपोर्ट हो रहा है,
उसके लिए किस कंट्री में जाना है, उस कंट्री के क्या डिमांड है। कभी 5 किलो में लेते हैं, कभी 10 किलो में लेते हैं, कभी 20 किलो में लेते हैं। प्याज का कलर कैसा होना चाहिए, कितने साइज़ का होना चाहिए, पूरा आता है स्पेसिफिकेशन करना चाहिए। और जो भी एग्रीकल्चर प्रोसेस प्रोडक्ट हैं या फ्रेश प्रोडक्ट हैं, इसको अपेडा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है वहाँ पर गाइडलाइन है, वहाँ पर किसानों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस माध्यम से एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर प्रमोद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू ज्योत्ना जी, हम किसान भाइयों का भी, आपका भी हृदय से बधाई, थैंक यू, शुक्रिया। और इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे किसान भाइयों बहनों के हमारे आज के कार्यक्रम के जो दोनों विषय रहे उनसे आपको भी बहुत अच्छी जानकारियां जो है वो हासिल हुई होंगी और जो आपकी समस्याएं हैं उनका भी समाधान आपको मिला होगा। अब आइए आपको बता दें कि हमारे अगले हेलो किसान कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। तो अगली बार अपने हेलो किसान कार्यक्रम में हम बात करेंगे नए बाग लगाने की वैज्ञानिक विधि के बारे में और इसके साथ ही बात होगी गर्मियों में पत्तेदार सब्जियों की खेती की। इन दोनों विषयों के संबंध में पहले से ही अगर आप अपने कोई प्रश्न हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और अगर आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो आप हमारा टोल फ्री नंबर भी जो है वो लिख सकते हैं 1800-1130-60। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ भी आप अपने प्रश्न पहले से लिखवा सकते हैं जिससे कि हम उन्हें कार्यक्रम में शामिल कर पाएँ। और आपको बता दें अगर इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां पर भी आप जाकर एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।